हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय किचन। मैं हूं शीबा। आज हम अपने किचन में काजू कतली बनाएंगे, जिसे बनाना बहुत आसान है और ये बहुत जल्दी भी बन जाती है। तो आइए देखते हैं इसे मैं बनाने के लिए मैं किन चीजों की जरूरत होगी। तो फ्रेंड्स, ये रेसिपी हमारी सिर्फ दो चीजों से हम बनाएंगे, जिसमें हमें जरूरत पड़ेगी काजू की और चीनी की। तो इसके लिए मैंने सबसे पहले काजू लिए हैं, ये मेरे 125 ग्राम मैंने लिए हैं, और साथ में मैंने चीनी ली है, ये है मेरे पास 2 टेबल स्पून। तो इसमें हम सबसे पहले अपने काजू को ग्राइंड कर लेंगे। तो ये हमारा मिक्सर जार है, तो हम इस मिक्सर जार में अपने ये काजू डालेंगे और हमें इसको सिर्फ 5 to 7 seconds के लिए हमें इसे ग्राइंड करना है। और फिर इसे हम चेक कर लेंगे, इसको थोड़ा हम चला लेंगे स्पून से अंदर खोल के, और फिर हम 5 to 7 seconds के लिए ही दोबारा चलाएंगे इसे। हमें ज्यादा देर तक ज्यादा कंटिन्यू एकदम हमें नहीं चलाना है, नहीं तो फिर ये अपना ऑयल छोड़ देंगे, और अगर काजू ने हमारे ऑयल छोड़ दिया तो फिर हमारी काजू कतली अच्छी नहीं बन पाएगी। इसलिए हमें सिर्फ इस चीज का ध्यान रखना है कि हमें बहुत थोड़ी सी देर इसको ग्राइंड करना है और ये हमारे पास पाउडर फॉर्म में बन जाना चाहिए। तो देखिए, ये मैंने अपना 5 सेकेंड्स के लिए चलाया था और ये अच्छा खासा दरदरा हो चुका है, थोड़ा सा अच्छे से पीस भी चुका है, लेकिन अभी थोड़ा मोटा है। तो हम इसे फिर से एक बार हम इसके लिए लगा देते हैं और इसको 5 सेकेंड्स के लिए एक बार फिर से इसको हम ग्राइंड करेंगे। तो देखिए, 5 सेकेंड्स करके मैंने इस तरह से 3 बार इसको मैंने ग्राइंड किया है और ये हमारा बहुत अच्छे से पाउडर फॉर्म में आ चुका है। और इसे अब हमें छान लेना है, छानने के बाद फिर हमारे पास एकदम फर्स्ट क्लास एक पाउडर फॉर्म में आ जाएगा और जो मोटा रह जाएगा उसको हम दोबारा पीस सकते हैं। तो इस तरह से हमें एकदम फाइन पाउडर तैयार कर लेना है। तो देख सकते हैं आप, मैंने अपना पैन रख दिया है और ये गर्म भी हो चुका है, और अब मैं इसमें डाल दूंगी सबसे पहले पानी। तो ये 2 टेबल स्पून मैंने पानी डाला है और 2 टेबल स्पून ही मेरे पास चीनी है। तो अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। ये हमें एक शीरा तैयार कर लेना है, स्लो फ्लेम पर मैंने रखा हुआ है, इसका हमें एक शीरा तैयार कर लेना है। चाशनी, ये हमारी चाशनी तैयार हो जाएगी तो हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। इसको हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो 2 मिनट मैंने इसको पका लिया है और ये अच्छे से चाशनी मेरी बन चुकी है, चीनी एकदम घुल चुकी है, और अब हम डाल देंगे इसके अंदर अपने काजू। और इसे अब हमें अच्छी तरह से चलाना है, इस तरह से चलाना है कि इसमें बिल्कुल लम्स नहीं रहने चाहिए, इसको हमें अच्छी तरह से चला के एकदम स्मूथ कर लेना है। इसे हमें अभी थोड़ी देर तक चलाते रहना है क्योंकि एकदम लिक्विड एकदम पतला हो चुका है, ये एकदम थिन, तो इसे अभी हमें चलाते रहना है जब तक कि ये पैन ना छोड़ने लग जाए, तब तक हम इसे ऐसे ही चलाते रहेंगे। और हमने एकदम लो फ्लेम कर रखी है। तो देख सकते हैं ये अच्छे से भून गया है, बिल्कुल लो फ्लेम पर मैंने इसको भुना है, और ये थोड़ा थोड़ा सा ये छूटने भी लग गया है। और इसको अब हम अपनी इस थाली में पलट लेंगे, ये हमारी थाली जिसको हमने पहले से घी लगा के रखा है, इसको हम अच्छे से ग्रीस कर देंगे और इसमें हमें ये पलट लेना है। तो अब हम अपनी फ्लेम ऑफ कर देते हैं और सबसे पहले हम इसे ग्रीस कर देंगे। और अब हम अपना ये सारा इसमें पलट देंगे, ये हमने सारा इसमें पलट दिया है, इस तरह से इसमें हम पलट देंगे। अब हम इसको निकाल देंगे इसमें से अच्छे से एकदम। ये निकल गया है और इसको हम थोड़ा सा इसको उलट पलट करके इसको थोड़ा सा हमें ठंडा कर लेना है और थोड़ा सा ये स्मूथ भी हो जाएगा। इस तरह से हम इसको थोड़ा सा हिला डुला के इसको थोड़ा सा ठंडा भी कर लेंगे, इतना कि हम इसे हाथ से छू सके, इसको हम इसको शेप दे सके। तो देखिए, हमारा इसमें बिल्कुल अच्छे से हमने यहाँ पे हाथ से इसको सेट कर लिया है, ये बिल्कुल अब चिपक नहीं रहा है और ये अभी हल्का गर्म है, तो इसे हमें पूरी तरह से ठंडा नहीं करना है, उससे पहले ही हमको इसको सेट कर लेना है। तो आप देख सकते हैं ये हमारे पास ये एक बटर पेपर हमने लिया है और इस पर भी हम थोड़ा सा घी लगा देंगे
इस पर भी हम थोड़ा सा घी लगा करके इसको ग्रीस कर देंगे ताकि हमारा ये बिल्कुल चिपके ना। और अब हम अपना ये पूरा इसके ऊपर रख देंगे और इस पर हम रख देंगे अपना दूसरा बटर पेपर और इसे अब हमें रोल करना है अपनी रोलिंग पिन से। ये हमारी रोलिंग पिन, इससे हमें बिल्कुल धीरे धीरे से इसको प्रेस करते हुए इसको जैसे हम रोटी बेलते हैं इस तरह से हमको इसको बेल देना है। बिल्कुल इवनली हमको करना है, कहीं से मोटा पतला नहीं रहना चाहिए क्योंकि हमें अपनी काजू कतली बिल्कुल इवन एकदम होना चाहिए हमारी। तो देखिए हमने अच्छे से इसको बेल लिया है, तो आइए हम देखते हैं। तो ये हमारा इस शेप में आ चुका है और इसे अब हमें थोड़ी देर इसको ऐसे ही छोड़ देना है, ये थोड़ा सा सेट हो जाए। इसके लिए हम इसको 10 मिनट के लिए हम इसको फ्रिज में रख देते हैं अपने रेफ्रिजरेटर में ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए। तो ये हम अपनी थाली के अंदर इसको इस तरह से सेट करके हम 10 मिनट बाद आपको फिर दिखाते हैं। तो देखिए अब हम अपना ये निकाल के ले आए हैं अपने फ्रिज से और ये हमारी ये सेट हो चुकी है। तो अब हम इसे अपनी इसको निकाल लेते हैं इधर साइड में और इसे अब हम कट करते हैं अभी। तो हम इस तरह से काटेंगे, हम इसको इस तरह से मेजरमेंट करेंगे इसकी। ताकि हमारे सब इक्वल साइज में कट सकें कतलियां। अब हम इधर से साइड से इसको तिरछा कर लेंगे क्योंकि हमें डायमंड शेप चाहिए है। आप चाहें तो इसको स्क्वायर भी रख सकते हैं लेकिन हमें चाहिए है डायमंड शेप। इस तरह से करके हम अपने ये सारे ही काट लेंगे। तो देखिए हमारे कट गए हैं और मैं आपको दिखाती हूँ कितने अच्छे पीसेस ये कट के तैयार हुए हैं। देखिए कितना अच्छा, बिल्कुल फर्स्ट क्लास, बिल्कुल काजू कतली की शेप आई है। मैं आपको बाकी के अभी सब निकाल के दिखाती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स हमारी काजू कतली बनके एकदम तैयार हो चुकी है और कितनी अच्छी बनी है, बहुत ही देखने में भी अच्छी लग रही है और टेस्ट में भी बहुत मजेदार बनी है। तो फ्रेंड्स इसे आप जरूर बनाएं, जरूर ट्राई करें। इसे आप किसी भी ओकेजन पे बना सकते हैं, किसी भी फेस्टिवल पे बना सकते हैं, कोई भी गेस्ट आने वाला हो तो भी आप ये एक स्वीट बना सकते हैं। तो इसे आप बनाएं और ट्राई करें और अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।